अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं मूंग मसूर की दाल। इसमें मैंने एक प्याली जो है मूंग मसूर की दाल ली है और उसमें मैंने शामिल की है चिकन की यखनी और अब आधा चम्मच हल्दी, दो चम्मच जो है वो सुरख मिर्च, डेढ़ चम्मच नमक शामिल किया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में खुश्क साबुत धनिया, उसको हल्का सा हाथ से मसल के वो शामिल करूंगी। अब मैं 5 मिनट के लिए इसे कुकर लगाने लगी हूँ। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। आप मेरे चैनल होम रूटीन को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट दें। यहाँ पे मूंगी मसूर की दाल के साथ हम बनाने लगे हैं चिकन पुलाव और साथ हम बनाएंगे जर्दा। मूंगी मसूर की दाल यहाँ पर गल चुकी है, अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी। मैं अब यहाँ तड़का लगाने लगी हूँ। इसमें मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैंने शामिल किया है 1 चम्मच घी। ये गरम हो जाए अच्छी तरह, फिर इसमें मैं लहसुन, कटा हुआ लहसुन जो है वो शामिल करूँगी। घी यहाँ पे अच्छी तरह से गरम हो चुका है, अब मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन। और इसको मैं अच्छी तरह से ब्राउन कर लूँगी। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको ब्राउन कर लूँगी। ये देखिए लहसुन का कलर चेंज होने लग गया, इसको मैं थोड़ी देर और ब्राउन करूँगी और फिर मैं इसमें ज़ीरा डालकर, साबुत ज़ीरा डाल के इसको दाल में शामिल करूँगी। ये देखिए लहसुन जो है वह अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें साबुत ज़ीरा शामिल करूँगी और इसको हल्का सा, ये बस इतनी देर हिलाऊंगी। ये देखिए जो तड़का है दाल का वो तैयार है, अब इसको दाल में शामिल करूँगी। ये देखिए अब मैं इसको तड़के को दाल में शामिल करूँगी। अब इसमें मैं शामिल करूँगी सब्ज़ धनिया, सब्ज़ धनिया कटा हुआ और 3 अदद साबित सब्ज़ मिर्च और हल्का सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल के मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ दूँ। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें पिसा हुआ मसाला। ये देखिए यहाँ पर 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। मूंग मसूर की दाल बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मसूर की दाल तैयार है और चिकन पुलाव भी तकरीबन तैयार है। अब यहाँ मैं बनाने लगी हूँ ज़र्दा, जिसमें मैंने 1.5 गिलास चावल लिए हैं और ये मैंने पानी रखा है। मैं आप पानी को उबाल आने तक छोड़ दूँगी और फिर मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। तो ये जो पानी है इसमें मैं शामिल कर दूँगी ज़र्दा रंग और साथ में इसमें शामिल करूंगी 3 अदद छुहारे। ये मैंने 3 अदद छुहारे शामिल किए हैं। अब इसको मैं पानी उबलने तक छोड़ दूंगी, फिर इसमें चावल शामिल करूंगी और पानी, चावलों को अच्छी तरह से गला लेना है। पानी जो है वो यहाँ पर उबल रहा है, अब मैं इसमें चावल शामिल करूंगी जो कि मैंने पहले से भिगो लिया। ये मैं अब इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। मैंने अच्छी सारे जो हैं वो इसमें ऐड कर दिए, अब मैं इनको अच्छी तरह से पका लूँगी। एक भी जो कनी है ना बाकी नहीं छोड़नी, अच्छी तरह से बॉईल कर लेना चावलों को। यहाँ पर जर्दे के लिए चावल जो मैंने उबालने के लिए रखे हैं उबल चुके हैं, अच्छी तरह गल गए हैं। अब मैं इन्हें स्ट्रेन करूँगी
और अब मैं बनाऊंगी शीरा। यह मैं यहाँ बनाने लगी हूँ शीरा। ये बर्तन में मैं जो सवा डेढ़ ग्लास मैंने चावल लिए थे और सवा ग्लास जो है मैं वो चीनी ऐड करूँगी और साथ में एक कप शामिल करूँगी इसमें पानी का और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। इसमें मैंने शामिल की हैं 3 अदद साबुत इलायची और अब मैं शीरे चीनी को जो है वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह पानी में मेल्ट हो जाए। शीरा है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। पानी को ज़्यादा देर नहीं पकाना क्योंकि चावल जो है वो फिर अकड़ जाते हैं। अब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी और इसको इतनी देर पकाना है जो पानी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। चावलों का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी बादाम और किशमिश। ये देखो मैं थोड़ा थोड़ा पहले घी शामिल करूँगी 2 से 3 जगह पे। इससे चावल जो है वो घेपा नहीं होता, जो शुरू में वो ज़्यादा गल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इसलिए घी जो है वो पहले नहीं डाला। और अब मैं ये किशमिश शामिल करूँगी इस पर। और साथ मैंने लिए हैं बादाम और साथ में इसमें शामिल करूँगी एसेंस, खेवड़ा एसेंस। और अब मैं इसे लगा दूँगी 20 मिनट के लिए दम पे। ये मैंने चावलों को 20 मिनट के लिए दम पे लगा दिए। ये देखिए यहाँ पे ज़रदा चावल बिल्कुल रेडी हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कलर बहुत खूबसूरत आया है। अब मैं अपनी तमाम चीज़ें इनको डिश आउट करती हूँ, ज़रदा चावल और साथ मूंग मसूर की दाल और चिकन पुलाव। चिकन पुलाव की रेसिपी आपको मैंने इस पर इसलिए नहीं बताई क्योंकि लास्ट टाइम मैं यखनी पुलाव बना चुकी हूँ। सेम उसी रेसिपी से मैंने चिकन पुलाव जो है वो रेडी किया है। चलिए अब अपनी चीज़ों को डिश आउट करती हूँ। ये देखिए मैंने अपनी तमाम चीज़ों को जो है वो डिश आउट कर लिया है। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी बनी है, बहुत मज़े की हैं। आप भी मेरी इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल होम रूटीन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।